मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम RAC का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट हम टाइप्स ऑफ सिस्टम तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हीट। हीट क्या होता है? हमारा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हमारा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मास अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। आपका एक सिस्टम है ये, ठीक है। दो तरह का मैंने बताया था आपको, ट्रांसफ़र हो सकता है या मास, और दूसरा था एनर्जी, ठीक है। हीट क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। आपका हीट क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। विदाउट अफेक्टिंग द ट्रांसफ़र ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। ड्यू टू किसके कारण होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हीट क्या हो गया कि एक्सचेंज होना आपका एनर्जी का, हीट का, अक्रॉस बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब आगे इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? जब भी आपका हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स हो, सॉलिड्स के बीच जब भी आपका हीट का ट्रांसफर होता है तो वो किसके थ्रू होता है? कंडक्शन के। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आपके पास एक रॉड है, आपके पास आयरन का रॉड है, इसके एक तरफ से आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से आपने रॉड को हीट करना शुरू किया तो क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, अगर सपोज करो इस तरफ से आपका जो मटेरियल है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो हीट है वो इस तरफ को मूव करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या है? कम है, ठीक है। तो इसके बीच में अब क्या हो रहा है? आपका हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आपका हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इन सॉलिड्स, ठीक है। जब भी सॉलिड्स में आपका हीट ट्रांसफ़र हो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस देन इट्स कॉल्ड कंडक्शन। सेकेंड है इसमें आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है हमारा? जब आपका फ्लूइड के बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो, जब हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। फ्लूइड में, इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन में आपका जो पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट नहीं होती, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती। कन्वेक्शन में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में मूव करते हैं और एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं। सो जो फ्लूइड के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। थर्ड वन है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है आपका? जब दो बॉडी के बीच में आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आपका ट्रांसफ़र हो हीट का, तब हम उसको बोलते हैं रेडिएशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सन से हमारे पास रेज आती हैं, ठीक है। तो वो किसके थ्रू आती हैं? रेडिएशंस के थ्रू। देयर इज़ नो एनी प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन अस एंड सन, ठीक है। हमारे बीच में और सन के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास उनकी रेडिएशन पहुंच रही है, तो वो किसके थ्रू, उसकी जो हीट हमारे पास आ रही है वो किसके थ्रू आती है? रेडिएशन में, ठीक है। रेडिएशन में क्या होता है आपका? ये जिस मीडियम के थ्रू आती है उसके टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। मतलब जिसका, जिसके थ्रू आ रही है आपकी वेव्स आ रही हैं, एयर्स के थ्रू आ रही हैं, तो एयर के टेम्परेचर को ये अफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप था आपका रेडिएशन। सो तीनों हो गए आपके, कंडक्शन व्हेन हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन सॉलिड, कन्वेक्शन व्हेन हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन फ्लूइड्स, एंड रेडिएशन व्हेन देयर इज़ नो फिजिकल और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ रिसीवर एंड सेंडर, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा? रेडिएशन।
एक चीज़ और है इसमें, हमेशा याद रखना है आपने कि जब भी आपका ये सिस्टम है, सिस्टम के बीच में जब आपकी हीट एंटर कर रही है, जब भी आपके सिस्टम में एंटर करती है हीट सराउंडिंग से, तो वो हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। कोई भी उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू। और सेकंड है, जब आपका सिस्टम टू सराउंडिंग हीट आपकी जा रही हो, ठीक है, सिस्टम से बाहर निकल रही है, कुछ जा रहा है सिस्टम से, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। सो याद करने का सिंपल सा तरीका है, कुछ आ रहा है सिस्टम में तो वो पॉजिटिव है, सिस्टम से कुछ बाहर जा रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपके काम आएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू को इसमें याद रखना। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ हीट। टाइप्स में दो तरह का आपका हीट का टाइप है। फर्स्ट वन है आपका सेंसिबल हीट और सेकंड है आपका लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंसिबल हीट वो वाला आपका हीट होगा जब बॉडी के फेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फेज आपका चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, क्या होगा, बॉडी आपका जो जिसका भी आपका हीट आप जिसमें दे रहे हो, जिस भी आप मीडियम को सपोज करो आपका सॉलिड है, उसको आप हीट दे रहे हो, सॉलिड है कोई बार है सपोज कर लो, कुछ भी है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो सेंसिबल हीट है जब इसको मैं एक तरफ से गर्म करना शुरू कर दूँ तो इसका टेम्परेचर सपोज करो 21 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सॉलिड ही है और यहाँ पर भी ये सॉलिड ही है, फेस चेंज नहीं हो रहा है आपका, यहाँ पे फेस सेम रहा है, सेम है आपका, लेकिन टेम्परेचर में आपके क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो विदाउट इफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ द जो आपका आपकी जो सॉलिड है वो सॉलिड ही रहे, वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। और सेकंड है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में इसके ओपोजिट बिल्कुल, लेटेंट हीट में क्या होगा, आपका फेस चेंज होगा, फेस चेंज होगा टेम्परेचर बॉडी का, जब ना चेंज हो सिर्फ फेस चेंज हो, तो उस तरह की जब जो ये वाली चेंज लेकर आएगा उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका सॉलिड है, ठीक है, तो जब लिक्विड वे में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ लिक्विड आगे आपका आपका जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड फेस चेंज हो गया, लिक्विड से वेपर है ये भी फेस चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता आपका, वो वाली हीट जो आपके फेस को चेंज करे विदाउट अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। सो दिस इज द ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ हीट्स। नेक्स्ट है हमारा टोटल हीट। टोटल हीट है इज अ सम ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। सम ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट इज इक्वल टू टोटल हीट। दोनों हीट का अगर सम अप कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल हीट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो आगे देखेंगे स्पेसिफिक हीट वगैरह, जो आगे हमारे टॉपिक इसके रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।